वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ प्रभा और आज मैं आपके लिए आई हूँ मीशो का ह्यूज हॉल। यस, आज मैं कुछ थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है बिकॉज जितने भी मैंने कलेक्शन मंगाए हैं वो मैंने किसी पर्पज से मंगाए हैं, वो मैं आपको बता दूंगी आने अभी थोड़ी देर में बता दूंगी मैं आपको। आई होप आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जिससे कि वो भी ऐसे आने वाले कलेक्शन मिस ना कर पाए। तो जो आज जो स्पेशल है वो इसीलिए है, जितने भी मैंने मंगाया है उसमें से मोस्टली मैंने अपने लाइक मेटर्निटी के हिसाब से मंगाया है, मतलब स्टाइल करने के हिसाब से मंगाया है। मैंने मीशो पर बहुत सर्च किया मेटर्निटी का तो मुझे इतने कुछ खास नहीं समझ में आया। तो यस, आने वाली हूँ अगेन। तो यस, मैंने उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के कुछ कपड़े मंगाए क्योंकि अभी हो गया है मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा, तो अभी इतने स्टाइलिश कपड़े मुझे नहीं भाते हैं। तो उस पर्पज से मैंने मंगाए हैं, कुछ ऐसे चूज़ किया मैंने, बहुत ज़्यादा सर्च किया ऐसे ड्रेसेस जो मैं बेबी मम के साथ पहन सकूँ, मेटर्निटी में पहन सकूँ, तो वो मैंने मंगाए हैं। कुछ स्पेशली मैंने मेटर्निटी वाले लेगिंग्स भी मंगाए हैं तो वो भी मैं आप आज को दिखाने वाली हूँ। तो यस, हम वीडियो को शुरू करेंगे, देरी नहीं करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आए। बस मैंने जो मेटर्निटी का सोच के सामान मंगाया था इस बार मेरे साथ थोड़ा सा लोचा हो गया है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिख जाएगा कि मेरे साथ क्या क्या हो गया है, मैंने क्या सोचा था और क्या मुझे, मतलब मैंने जो एक्सपेक्ट किया था मुझे वैसे मिला है, लेकिन मुझे साइज में बहुत इश्यूज आए, बहुत इश्यूज। तो यस, तो फर्स्ट मैंने ये टी शर्ट मंगाई थी। ये टी शर्ट एक्चुअली मैंने, पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये टी शर्ट मैंने इस कलर में मंगाई थी बट मुझे डिसअपॉइंटमेंट इस टी शर्ट को मंगाने का। जो मैंने मंगाया था एल मंगाया था वो भी मैंने मेंशन देख लिया था क्योंकि मुझे लगा कि टी शर्ट ओवर साइज है तो थोड़ा सा लार्ज आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बट मैं फर्स्ट आपको दिखाती हूँ उसका कलर। मैंने ये कलर मंगाया था जो मैंने आपको दिखाया, बट मुझे ये कलर रिसीव हुआ, बिल्कुल ही ऑपोजिट कलर रिसीव हुआ है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई इसे मंगाकर कि यार मैंने जो कलर जिस पर्पज से मैंने देख के मंगाया था कि मैं इस तरीके से स्टाइल करूँगी, उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं आया। इन्होंने बहुत लाइट कलर सा मुझे दे दिया है। बट अगर आप कलर को ना देखें, मतलब अगर आपको कलर से कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा टी शर्ट बहुत अच्छी है, बहुत परफेक्ट है। ये बैक साइड है, बैक साइड में इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्लीव्स में इस तरीके से डिज़ाइन दिया गया है, स्लीव्स में आपको इस तरीके से डिज़ाइन मिल रहा है एंड फ्रंट में आपको यहाँ चेस्ट एरिया पे डिज़ाइन मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ी सी लॉन्ग है, मैंने सोचा था कि मैं इसे लेगिंग के साथ स्टाइल कर लूँगी बाहर थोड़ा पहने जाने के लिए, क्योंकि अभी वेट गेन हो गया है तो अभी मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है पहनने का, तो मैंने उस पर्पज से मंगाया था बट फेल हो चुकी हूँ मैं इसमें। तो अभी ये टी शर्ट जो है मेरे लिए तो ये है कि टाइट भी मुझे आ रही है थोड़ी सी साइज में, तो मे बी शायद तो मुझे एक एक्स्ट्रा साइज मंगाना चाहिए था। वो थोड़ा सा मेरे साथ हमेशा यही होता है, मैं हमेशा मेंशन देख के मंगाती हूँ कि यार इतना साइज है, मतलब जो भी उसमें लिखा होता है इंच टेप मेंशन हुआ था उस हिसाब से मंगाती हूँ, बट मेरे साथ कभी ऐसा परफेक्टली नहीं आया है। तो यस, ये है टी शर्ट। टी शर्ट नो डाउट बहुत अच्छी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ले सकते हैं, बस कलर एक बार आप देख लीजिएगा क्योंकि कलर मैंने जो पिंक मंगाया था वो नहीं आया है, उसके बदले ये कलर ने दिया है। फैब्रिक क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छा है इसका, बस एक कलर को छोड़। ये शर्ट, अगेन शर्ट मैंने वो ध्यान में मंगाया था, मैं मुझे छोटी आई है। मतलब वैसे शर्ट की क्वालिटी, मतलब जैसा पिक्चर में शर्ट दिख रही है एग्जैक्ट वैसा ही शर्ट है, शर्ट में कोई भी कमी नहीं है। तो जो लोग इसे खरीदना चाहते हैं प्लीज गो एंड परचेज दिस बिकॉज शर्ट क्वालिटी, फैब्रिक क्वालिटी एंड प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे थोड़ा सा टाइट आया है क्योंकि मैं इसे नहीं पहन पाऊंगी, मैंने जिस पर्पज से मंगाया था मुझे नहीं आया ये अगेन, तो इस बार मेरे साथ लोचा हो गया थोड़ा सा। तो ये शर्ट बहुत प्यारी है, देखिए आप प्रिंट देख सकते हैं, प्रिंट में कोई कमी नहीं है, प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा है इसका, फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड शर्ट का जो लेंथ है वो भी काफ़ी लॉन्ग दिया है। तो आप लेगिंग के साथ, एक्चुअली मैंने लेगिंग के साथ ही ट्राई करने के हिसाब से मंगाया था, तो मैंने उस पर्पज से मंगाए थे बट ये नहीं आया है। तो अब ये मेरे लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो गई है कि मेरे पास नहीं आया, बट इसका जो ये है ना, ये प्रिंट वाला एरिया, बटन्स क्वालिटी A1 है, तो आप इसका डेफिनेटली जा सकते हैं जो लोग साइज में थोड़े से कम हैं, तो जी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छी शर्ट है एंड लुक तो आप देख ही चुके हैं क्योंकि मेरे को तो बटन्स लगे, अंदर एक हॉल्टर पहना है
एंड इसके साथ मैंने मेटर्निटी वाली लेगिंग पहनी है जो कि मैंने मीशो से ही मंगाई है। नो डाउट बहुत प्यारी है, तो आप डेफिनेटली साथ जा सकते हैं। प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, जितने भी प्राइस होंगे सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। यस, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये ड्रेस है, ये ड्रेस एक्चुअली मैं आपको दिखा देती हूँ, साइज मैं आपको बताती हूँ। साइज मैंने मंगाया है एक्स्ट्रा लार्ज, जो कि बहुत ऊपर से मुझे सही आया एंड आगे से भी सही आया। ड्रेस बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है, बट मुझे स्पेशली जो इसमें कमी लगी ना, जब मैंने इसे पहना ना, तो मुझे एक तो इसकी लाइनिंग बहुत टाइट आ रही थी, जो इसकी इन्होंने ऊपर से तो फ्लेयर दे दिया है, पर जो अंदर की जो लाइनिंग है ना, इसमें फ्लेयर नहीं दिया है। इसका ना बिल्कुल एकदम लाइक गोल सा, राउंड सा, हल्का सा बना दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, ये साइज ना इन्होंने इतना साइज दिया है, तो ये मुझे टमी से बहुत टाइट आ रही है, मतलब अंदर से टाइट आ रही है, बाहर से लूज है। एंड सेकेंड चीज जो मुझे थोड़ी सी अटपटी सी लगी ड्रेस, मतलब मुझे अजीब लगी, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, कि इन्होंने आगे से बहुत अच्छा फ्लेयर दिया है, बट बैक साइड से ना इन्होंने बिल्कुल प्लेन ना, बहुत अजीब, मतलब बहुत बैक से बहुत टाइट टाइट सा लग रहा है। अगर आप नोटिस भी करेंगे तो आगे से बहुत फ्लेयर है, पर बैक से ये वाला हिस्सा बहुत टाइट टाइट सा फील करा रहा है, मतलब लाइक एकदम स्ट्रेट लग रहा है, बिल्कुल ही फ्लेयरी सा नहीं आ रहा है। तो उन्होंने जो भी घेर था ना, वो आगे की तरफ दिया है, पीछे की तरफ उन्होंने घेर कम दिया है, मतलब ना के बराबर दिया है। मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, मतलब मेरे मेरे मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इन्होंने आगे फ्लेयर दे दिया एंड पीछे नहीं दिया है, बिल्कुल प्लेन नजर दे, जैसे कि आप देख सकते हैं आगे इन्होंने प्लेट्स दी हुई है ये वाली, ठीक है, एंड बैक साइड में इन्होंने बिल्कुल प्लेन रखा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ना टाइट अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है मुझे, मतलब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। आई डोंट नो कि किसी और को फील हुआ या नहीं हुआ जिन्होंने भी ये लिए हैं, बट मुझे फील हो रहा है। तो ड्रेस क्वालिटी, कलर सब कुछ अच्छा, इसमें दो कलर अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। प्राइस वाइज जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो जाके चेकआउट कर सकता है, बट मुझे थोड़ा सा ये टाइट फील लगा, मे बी मेरे बेबी मम की वजह से या जो भी है, तो जिनको नहीं लग रहा वो आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था ड्रेस, काफ़ी अच्छा, आगे से फ्लैरी, सिर्फ मेरे को अगर आपको, आप कोई भी ड्रेस खरीदते हैं अगर आपको कंफर्ट फील नहीं कराता ना, तो चाहे वो कितना भी अच्छा दिखने में क्यों ना हो, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब मेरे साथ यही है, अगर वो ड्रेस बहुत अच्छा दिख रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है, बट आपको कंफर्टेबल फील नहीं करा रहा, तो मेरे लिए वो वर्थ नहीं है। तो सेम मेरे साथ इसी के साथ हुआ, देखने में बहुत प्यारा है, देखने में बहुत अच्छा है, बट मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, तो मुझे नहीं समझ में आया। तो ये था ड्रेस। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये जो मैं दिखाने वाली हूँ कोट सेट, ये मैंने थोड़ा स्टाइलिश लुक में मंगाया था, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा स्टाइल करके पहन लूंगी, बट अगेन मेरे साथ लोचा हो गया। मेरे साथ हमेशा यही होता है, मैं देख के क्या मंगाती हूँ और मेरे साथ हो कुछ जाता है, या तो मतलब साइज का मेरे को इतना वो नहीं रहता, आइडिया नहीं रहता। अभी क्या है, कॉन्स्टेंट मेरा साइज बढ़ रहा है, तो मुझे वो आइडिया पहले वाला साइज लेके मैं चल रही। एनीवेज ये वाला कोट सेट है इस तरीके से, मुझे टॉप से ही आया, मतलब हल्का सा टाइट आ रहा था, बट ना मैंने थोड़ा स्टाइल में मंगाया था, मैंने इसे पहना कि एक बार आपको दिखा दूँ कैसा लगेगा। तो बहुत प्यारा सेट है, बहुत प्यारा सेट है, ट्रस्ट मी, हाईली रिकमेंड है, जाइए जो जिनका साइज इस बीच में आता है जाके लीजिए। बहुत प्यारा सेट है, मतलब प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा है इसका, आप देख सकते हैं, लुक एट दिस, प्रिंट बहुत प्यारा, कलर्स बहुत अच्छे हैं इसके, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मुझे बेस्ट लगा ये, बट अफसोस कि मुझे नहीं आया, तो वही वाला इशू है। और इसका प्रिंट बहुत प्यारा है, ये क्रॉप टॉप में आपको रिसीव होगा, इसमें सामने आपको ना फ्रंट में बटन्स मिल जाएंगे एंड सामने से कुछ इस तरीके से बांधने के लिए नॉट मिल जाएगा, जो कि आप इजीली बांध सकते हैं, तरीके से है, आपको दिख जाएगा, यहाँ से आपको नॉट बांधने के लिए मिल जाएगा। प्रिंट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है, 500 समथिंग का कुछ था ये ना। मैंने बहुत टाइम से विशलिस्ट किया हुआ था, ये आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था, लेकिन जैसे ही इन स्टॉक आया मैंने तुरंत से ऑर्डर कर दिया। तो ये है इसका टॉप, बहुत प्यारा है, जरूर आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बॉटम कुछ इस तरीके से है, लाइक इस तरीके से है। एक्चुअली मैंने क्या सोचा, ये जो बेल्ट है ना, मुझे पता है लोअर में, तो मैंने कहा हाई करके बांध के मैंने इसे पहना है, तो वो मुझे आ गया था, बट मैं इसे सिर्फ अभी पहन पाऊंगी, अभी मतलब या कुछ वीक तक ही मैं इसे स्टाइल कर सकती थी, तो मैंने इसलिए। अब बहुत प्यारा लग रहा है, लुक एट दिस का ना, यहाँ से आपको फ्रंट में ये मिल रहा है, मैंने इसको थोड़ा साइड में रखा है क्योंकि ये मुझे
पहना था तो बहुत साइड में ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो इस लुक को मैंने फ्रंट में रख के साइड में रखा है। थोड़ा सा टाइट है, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मुझे टाइट ही आ रहा है, तो प्लीज मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा भी पहनने का मन करता है स्टाइलिश कपड़े। पर तो ये कुछ इस तरीके से है, कलर बहुत प्यारा है, आगे से आपको स्लेट मिल जाएगा, फ्रंट वाइज सब कुछ बहुत प्यारा है, पीछे से इन्होंने इलास्टिक दी है काफी अच्छी क्वालिटी में, और स्टिचिंग क्वालिटी भी काफी अच्छी है, मतलब इस प्राइस में इन्होंने जो क्वालिटी दी है बहुत सही दी है। तो बहुत ही प्यारा प्रिंट है, आप ना इसको स्कर्ट को भी किसी डिफरेंट टॉप के साथ भी कैरी कर सकते हैं, सिंगल टॉप के साथ भी कैरी कर सकते हैं, अगर आपको ये टॉप नहीं कैरी करना, आपको कोई सिंगल कलर का टॉप करना है, बहुत सारे कलर्स हैं, कोई भी कलर ट्राई कीजिए, बहुत चलेगा। मैं बढ़ती हूँ एक अनदर प्रोडक्ट की तरफ, ये वाला ना, ये एक्चुअली मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा था कि मैं पहन लूंगी, बट शायद से उससे साइज में थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं उसको वापस भेजने वाली हूँ। ये तो ये भी मीशो से मंगाया था, बहुत अच्छा है, बट मैं इसको ट्राई ऑन आपका नहीं दिखा पाऊंगी, बहुत अच्छा है, देखिए प्रिंट वाइज सब कुछ बहुत अच्छा है, ये साइज आपको एम में मिलेगा, एम साइज है, उसको लगा कि आ जाएगा बट नहीं आया, तो ये गिफ्टेड था, तो ये गिफ्टेड था, मैंने नहीं खरीदा, तो ये देखिए बहुत ही प्यारा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, टू पीस है, कोट सेट है, आप डेफिनेटली देखिए, प्रिंटेड है, प्रिंटेड वर्क एक्चुअली आजकल इतना ट्रेंड में है ना, आप कुछ भी प्रिंटेड पहने बहुत अच्छा लगता है, तो ये देखिए प्रिंटेड है, पैंट है, काफी अच्छा है, इसमें लाइनिंग नहीं दी गई है, इसमें सिर्फ ये सिंगल कपड़ा है, पॉकेट इसमें आपको मिल रही है दोनों साइड, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, मैं इसका ट्राई ऑन नहीं दिखा पाऊंगी, तो सो सॉरी फॉर दिस। ये इसका टॉप है, टॉप बहुत अच्छा है इसका, पफ स्लीव्स आपको मिल रही है, लॉन्ग स्लीव्स आपको मिल रही है लॉन्ग, एंड आपको ना आगे से इस तरीके से टाई करने का मिल रहा है, मैं आपको पिक्चर दे देती हूँ इसका, तो आपको समझ में आ जाएगा वो किस तरीके से लग रहा है, ये आपको इस तरीके से ना आगे नॉट बांधने के लिए मिल रहा है, तो आप अगर जो लोग डीप नेक में कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो वो अंदर हॉल्टर नेक पहन सकते हैं और इसको स्टाइल कर सकते हैं, तो टॉप कुछ इस तरीके से है, बहुत ही प्यारा है, अंदर इसमें लाइनिंग दी गई है, प्रिंटेड वर्क है, बेस्ट है, तो आप इसका जरूर जा सकते हैं। आपको दिखाती हूँ जो मैंने मिटर्निटी लेगिंग्स मंगाई है, जो मैंने अभी फर्स्ट टॉप पहना था उसके साथ मैंने ये ब्लू कलर की लेगिंग ट्राई की थी, मैं आपको दोबारा से दिखा दूंगी, बहुत कंफर्टेबल, बहुत सही आया है, बहुत अच्छे प्राइस में है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, ये ब्लू वाली मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ अभी रिसेंटली, बहुत अच्छा कंफर्टेबल आपको फील कराती है, मतलब लाइक लगता ही नहीं है, क्योंकि जब ऐसा होता है कि जब मदर्स का टमी बाहर आता है या फिर जब थोड़ा ग्रो करता है ना, तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है टाइट चीजें पहनने में, ये बेस्ट है, ये हाईली रिकमेंड है मदर्स के लिए, जो माँ बनने वाली हैं, जो लोग अभी प्रेग्नेंट हैं उनके लिए बेस्ट 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 प्रोडक्ट है, जाइए जाके परचेज कीजिए। इसमें मैंने दो कलर मंगाए हैं, पिंक एंड ब्लू, ये दो मैंने मंगाए हैं, दोनों ही परफेक्ट है, ये मैंने अभी कम पहना है, ये मैंने आई गेस एक बार भी नहीं पहना, ये वाला मैंने मैंने घर में बहुत बार पहना है, पिंक वाले को एक्चुअली मैं बाहर थोड़ा सा स्टाइल करके ट्राई करना चाहती हूँ, जो मैंने शर्ट मंगाई थी ना प्रिंटेड वाली वो मैंने इसी के साथ के लिए मंगाई थी, बट वो नहीं आई, तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि मैं इसे क्या मंगाऊँ, प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए कि कुछ लूज टॉप या कुछ जो कि मैं आगे जाके अपने लिए मेटर्निटी उसमें पहन सकूं। सो ये दिस लेगिंग आपको ट्राई ऑन मिल जाएगा दोनों का। नाउ मैं अपने फेवरेट्स जो बेस्ट हैं वो दिखाती हूँ, ये मैंने शॉर्ट पहनी हुई है, ये पूरा सेट है इस तरीके से, तो मैं इसका ट्राई ऑन दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी शर्ट है, कॉटन शर्ट है, पहनने में कंफर्टेबल है, आप इसे नाइट सूट की तरह भी यूज कर सकते हैं, आप इसे खाली शर्ट भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे बाहर जाने के लिए स्टाइल भी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, मैंने तो घर के लिए मंगाया क्योंकि मुझे नाइट में थोड़ा कंफर्टेबल पहनना था, तो कॉटन का पहना था, तो इस पर्पज से हमने मंगाया, आप चाहें तो इसे बाहर भी स्टाइल कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल, मतलब हाईली रिकमेंड करूंगी मैं, ये मेरे जो लास्ट के दो प्रोडक्ट है बहुत ही बेस्ट है जो मैं आप दिखाने वाली, तो इसमें मुझे कोई भी रिग्रेट फील नहीं हुआ है, तो ये बेस्ट है, इसका ट्राई ऑन आपको यहाँ मिल जाएगा, कॉटन का फैब्रिक है, लॉन्ग शर्ट है, पिंक एंड ऑरेंज कलर में आपको मिल रही है, आप बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, लाइक इसे ओपन करके भी पहन सकते हैं, एंड इसको शॉर्ट्स भी इसको ऑरेंज के साथ, ऑरेंज शॉर्ट के साथ कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये था मेरा एक सेट जो कि बहुत ही अच्छा है, हाईली रिकमेंड है, बहुत ही सस्ते प्राइस में मुझे मिल गया था, तो यस मैंने जल्दी से जल्दी मंगा लिया इसे, आप जाइए जरूर से परचेज के, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यस हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, शॉर्ट्स में दिखा देती हूँ, बाय द वे शॉर्ट्स ये रहा, दोनों साइड आपको पॉकेट मिल रही है, शर्ट मैंने पहना हुआ है, लॉन्ग शर्ट है, तो मैंने लॉन्ग शर्ट पहना हुआ है, एंड शॉर्ट बहुत अच्छा है, तो आप इसे डेफिनेटली चेकआउट करो, दिस इज माई फेवरेट, मतलब मेरा मोस्ट फेवरेट ये आया है, तो मैं इसको दिखाती हूँ आपको,
पिक्चर आपको यहाँ मिल जाएगा पूरा एक इसमें। इसमें ना बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, लाइक येलो, पिंक, ब्लू और डार्क ब्लू, ऐसे कलर और भी मिल जाएंगे आपको। मैंने इसमें लाइट ब्लू मंगाया है, ये देखिए, लुक एट दिस, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा प्यारा है और इसका फैब्रिक तो लाइक बिल्कुल आपको रिलैक्स फील कराएगा। मैंने अभी जब ट्राई ऑन जब किया था ना इसका, मैंने जब ट्राई किया था तो बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। बस इसमें आपको फ्री साइज मिलेगा, मतलब ये जो साइज है सिर्फ आपको यही मिलेगा। तो बहुत लोग जो बहुत पतले हैं उनको ऑल्टर कराना पड़ेगा, और जो लोग कंफर्टेबल हैं लूज पहनने में वो जा सकते हैं इसकी तरफ। तो देखिए, बहुत प्यारा है, बहुत स्टाइलिश है, आई मीन बहुत ज़्यादा स्टाइलिश आपको शर्ट मिल रही है। आप खाली शर्ट भी पहन सकते हैं, आप देखिए बहुत ज़्यादा प्यारा है। शर्ट आपको दोनों शर्ट में साइड में मिल रहा है। मैं आपको एक बार इसका ट्राई ऑन दिखाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा, आप भी देखिएगा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है पहनने के बाद। प्रिंट देखिए, प्रिंट कितना ब्यूटीफुल है इसका, ट्राई ऑन में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लुक लग रहा है। और लेकिन इसमें सिर्फ एक ही साइज है, कलर्स में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। नाउ मैं दिखाती हूँ इसका बॉटम, पर इसके ना बॉटम में ना पॉकेट नहीं दी उन्होंने, तो मुझे लग रहा है वो इन्हें देनी चाहिए थी पॉकेट। आजकल बिना पॉकेट के तो कुछ होता ही नहीं है, पॉकेट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये है, इन्होंने अंदर ना इसके अंदर इस तरीके से आपको बॉटम मिलेगा, एंड आपको नीचे की तरफ इसमें पूरा प्रिंट मिल रहा है, सेम एज इट इज जो दिखाया है पिक्चर में वही मुझे रिसीव हुआ है, एग्जैक्टली वही रिसीव हुआ है। आप इसके साथ ज़रूर जा सकते हैं, इसमें आपको सिर्फ एक ही साइज़ मिलेगा, फ्री साइज़। अब आप पतले हैं या मोटे हैं, आपको एक ही साइज़ मिलेगा। हल्का सा मुझे टमी पे टाइट है, बट नो प्रॉब्लम, मैं बाद में भी इसे कैरी कर सकती हूँ, बाद में भी स्टाइल कर सकती हूँ, या किसी और लेगिंग के साथ मैं शर्ट पहन सकती हूँ। तो ये है, इसमें जो आपको लाइनिंग दी गई है वो ना शॉर्ट्स की तरह दी गई है, लाइक इसमें ना सिर्फ ये वाला इतना लाइनिंग दिया गया है, तो बट इतना लाइट भी नहीं है, चल जाएगा वो, क्योंकि शर्ट इतनी लंबी है ना तो आपको ढक जाएगा। आप इसे सिंगल नहीं पहन सकते, मतलब हो सकता है कि विजिबल करे आपका अंडरगार्मेंट्स विजिबल हो, तो वो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइट है बट इट्स ओके, बहुत प्यारा है शर्ट। मैं शर्ट से सेपरेटली कैरी कर सकता हूँ, वैसे भी प्रेगनेंसी में तो हर चीज़ टाइट ही लगती है, बट मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, हाईली 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 रिकमेंड, जाइए जाके ले लीजिए। इसमें येलो कलर भी है, ऑरेंज भी है, पिंक भी है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये था मेरा फेवरेट, मोस्ट फेवरेट अभी तक का सारा, क्योंकि मुझे सब कुछ बहुत परफेक्टली आया है इसमें, एंड जो फर्स्ट जो मैंने पहना हुआ है वो भी। एक्चुअली जो ब्रांड है ना देसी गर्ल के सारे मोस्टली प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, आप इनके प्रोडक्ट ट्राई कीजिए। जो कोर्सेट स्कर्ट वाला था वो भी देसी गर्ल का ही है, बेबी मून चल रहा है तो क्या कर सकते हैं। सो यस, जो लोग मदर्स बनने वाली हैं वो डेफिनेटली चेकआउट कर सकती हैं मेटर्निटी लेगिंग्स एंड कोट सेट एंड शर्ट जो मैंने पहना हुआ है। और जिन लोगों का वेट पूरा नहीं बढ़ता, सिर्फ टमी बढ़ता है, वो लोग तो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो ऑल ओवर वेट बढ़ता है प्रेगनेंसी में, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी बड़ा था। ये था मेरा एक मिक्स एंड मैच सा मीशो का हॉल, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या कुछ भी हो, और आप चाहते हैं मैं इस मैटरनिटी का, जैसे कि मैं मॉम बनने वाली हूँ, तो अगर आपको चाहिए कि मैं ये मैटरनिटी शूट कर, मतलब मैटरनिटी क्लोथ्स के लिए कुछ और भी लेके आऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।